बच्चों, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 पूरा का पूरा देखने वाले, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.5 के जस्ट पहले जो 1.4 पढ़े हम लोग, उसमें बेसिकली क्या पढ़े थे? लॉज। ठीक है, जो लॉज वो बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे चार क्वेश्चन किए थे और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो लॉज से रिलेटेड है, तो लॉज अपने को आना चाहिए। यह एक्सरसाइज अच्छे से करने के लिए लॉज आना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने 1.4 देखा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा है 1.4 तो वो जाके एक बार रिवीजन कर ले, 1.4 देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए। फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा दूंगा लॉज का, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला लॉ क्या है बच्चों? सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है बच्चों? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है बच्चों? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है? देखो, पी एंड पी पी होता है, पी और पी भी पी होता है। मतलब क्या? कोई भी स्टेटमेंट अगर खुद के साथ पी है तो पी, क्यू है तो क्यू, एंड है चाहे और है, वो खुद आता है। देखो, पी एंड पी है, दोनों पी है, तो रिजल्ट क्या है? पी। यहां पे भी सेम, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोर्टेंट लॉ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या? कम्यूटेटिव, कम्यूट करना, ट्रैवल करना। मतलब क्या? पी जो है वो ट्रैवल करके क्यू के पास चला गया, क्यू ट्रैवल करके पी के पास चला गया। मतलब एक्सचेंज ऑफर अगर अलाउड है, पी एंड क्यू, क्यू एंड पी हो गया, पी और क्यू, पी और क्यू, क्यू और पी हो गया। ये जो पिछला वीडियो बनाया था उसी का पेज यहाँ पे लिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। क्या बोला? मतलब पी एंड क्यू, क्यू एंड पी होता है, एंड पी और क्यू क्या होता है? क्यू और पी। यहां वहां कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। एसोसिएटिव मतलब तीन लोग सेम साइन के साथ, या तो दोनों के बीच में एंड रहेगा, दोनों एंड, या तो दोनों क्या रहेगा? और रहेगा, दोनों एंड रहेगा या फिर दोनों और रहेगा। एसोसिएटिव, एसोसिएशन। एसोसिएटिव वर्ड कहां से आया? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुपिंग। देखो, पी क्यू का ग्रुप हो गया या फिर क्यू आर का ग्रुप हो गया, सेम कॉन्सेप्ट नीचे भी है। याद ये रखना है आपको, ग्रुपिंग एक जैसे लोगों का ग्रुप होता है, एंड एंड या फिर और। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। ये क्या हो गया बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दोनों एंड या फिर दोनों और। सर, अलग अलग रहेगा क्या? हाँ बच्चा, रहेगा। अलग अलग रहेगा तो कहां पे? डिस्ट्रीब्यूटिव। 95% क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फॉलो होता है। ठीक है, डी सी आई फॉलो होता है। डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, सी से कॉम्प्लीमेंट और आई से आइडेंटिटी। डी आया तो सी आएगा, सी आया तो आई होगा। 95% एक आध क्वेश्चन जो रहता है वो एक्सेप्शन रहता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन रहता है, मतलब हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट ना आए। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। यहाँ पे डिफरेंस होना जरूरी है। एक अमीर बंदा, बहुत पैसा वाला, एक गरीब है, उसको बांट रहा है। ठीक है, दान कर रहा है। बांटना मतलब डिफरेंस होना जरूरी है। एक एंड है तो दूसरा क्या? और। एक और है तो दूसरा क्या है? एंड। इस तरीके से याद करवाया। तो इस लॉ को अपन मल्टीप्लाई करने वाला लॉ या कॉमन निकालने वाला लॉ भी बोलते हैं। मल्टीप्लाई या कॉमन, पी एंड अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? पी एंड क्यू और पी एंड आर, पी एंड क्यू और पी एंड आर। तो ये देखो, यही आया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। P और अंदर जाएगा, P और Q एंड P और R, ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने वाला लॉ या फिर कॉमन निकालने वाला लॉ, P एंड कॉमन ले लो, RHS टू LHS देखो, P एंड कॉमन ले लो, क्या बचेगा? Q और R। P एंड कॉमन ले लिया तो क्या बचा? Q और R। यहां पे P और कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया? P और, क्या बचा फिर? Q एंड R।
क्या बचा? क्यू एंड आर। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या? वो बंदा और उसी का नेगेशन रहेगा। पी है तो नेगेशन पी, नेगेशन क्यू रहेगा तो क्यू, मतलब जो रहेगा उसी का नेगेशन। बीच में एंड हो सकता है या फिर और हो सकता है। पहले समझा देता हूं फिर एक चीटिंग ट्रिक समझा दूंगा। पी अगर ट्रू है, पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है। तो एक केस क्या बना बच्चों? ट्रू एंड फॉल्स बना। पी अगर फॉल्स है, पी अगर फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बीच में क्या है? एंड है। बीच में क्या? एंड। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है? ये भी फॉल्स होता है, मतलब दोनों केस में फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझा? वैसे यहां पे ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है, दोनों केस में ट्रू, इसलिए रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया। ठीक है, अभी इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट के लिए चीटिंग आप कर सकते हो। एंड है सर, एंड का कंसेप्ट क्या बताया था मैंने? एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, कंसेप्ट में फॉल्स तो रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। फिर यहां पे आया और का, फिर क्या? और मतलब क्या होता है? और का कंसेप्ट क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू। और का कंसेप्ट क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू ना, कंसेप्ट में ट्रू तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। एंड का कंसेप्ट में फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। और के कंसेप्ट में एक भी ट्रू तो ट्रू, कंसेप्ट में ट्रू तो रिजल्ट क्या? ट्रू। कॉम्प्लीमेंट में आप ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आइडेंटिटी लॉ। ये अगर ट्रू है, पी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों केस चेक कर लेते। ट्रू और ट्रू, ट्रू होता है सर, वेरी गुड। फॉल्स और ट्रू, ये भी ट्रू होता है। ट्रू और ट्रू भी ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है, दोनों केस में ट्रू आया, दोनों केस में सेम आया। ट्रू आया तो ट्रू, फॉल्स आया तो फॉल्स, मिक्स आया तो स्टेटमेंट खुद आएगा। जैसे यहां पे दोनों केस में ट्रू आया इसलिए रिजल्ट क्या लिखे है? ट्रू लिखे है। यहां पे अगर ट्रू डाला तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होता है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग आया, दोनों केस में अलग आया इसलिए स्टेटमेंट खुद आएगा। दोनों केस में अलग आया इसलिए स्टेटमेंट खुद, दोनों ट्रू आता तो ट्रू, दोनों फॉल्स आएगा तो फॉल्स, मिक्स आया कभी ट्रू कभी फॉल्स तो स्टेटमेंट खुद, मतलब पी तो पी। वापस बताता हूं, ट्रू और ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू, ट्रू होता है, दोनों केस में ट्रू मिला इसलिए रिजल्ट ट्रू आया। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग आया इसलिए पी आएगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग अलग आंसर आया इसलिए स्टेटमेंट खुद आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू होता है, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है, दोनों केस में फॉल्स आया इसलिए आंसर क्या आएगा? फॉल्स। समझ गया? हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ट्रू फॉल्स रहेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका क्या बोलते हैं अपन? उसको आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है बच्चों डिमॉर्गन्स। वो जो नेगेशन वाला लॉ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। मतलब क्या? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा नेगेशन पी, पी का हो गया नेगेशन पी, एंड का और होता है, और का एंड होता है, इतना अपने को पता है। वो बताने वाला बंदा कौन?
डी मॉर्गन, ठीक है। तो नेगेशन जब अंदर जाएगा तो नेगेशन पी एंड का क्या हो गया, और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, सेम चीज, और का क्या हो जाएगा एंड, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल लॉ, ये भी ऑलरेडी पता है आपको, पी इंप्लीकेशन क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, नेगेशन पी और क्यू। नेक्स्ट है आपका बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ मतलब पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन, ये पी जो है वो क्यू को एरो दिखा रहा है एंड साथ ही साथ क्यू जो है वो भी पी को एरो दिखा रहा है, पी क्यू को एरो दिखा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, दैट इज नेगेशन पी और क्यू, एंड इसका भी वही ना, नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, नेगेशन क्यू और पी, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया बच्चों लॉज देख के, ठीक है, सब कुछ समझ में आया रहेगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी सर्किट स्विचिंग, सर्किट S1, S2, ये आई थिंक सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज, सीरीज के लिए याद करना है एंड, आजू बाजू तो सीरीज, और अगर ऊपर नीचे दिखा तो पैरेलल, ये S1 और ये S2, ये क्या है बच्चों, पैरेलल, और पैरेलल के केस में क्या आता है, और पैरेलल के केस में क्या आता है, और समझ जाओ, मैंने स्टार्टिंग में यहां पे ऊपर लिख दिया, ये जो स्विच S1 है उसको बोलते हैं, लेट स्टेटमेंट P इज स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये हो गया आपका P, स्टेटमेंट P, Q क्या आ जाएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, अगर S3 रहता तो R भी आता था, ठीक है, स्विच S2 इज क्लोज्ड, दिस इज Q, ये दोनों पैरेलल में है, सॉरी ये दोनों किसमें है, सीरीज में, आजू बाजू ना लिखे इधर, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में रहता है ये पी है ये क्यू है, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू, ये क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, डन, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे पूरे जो क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फाइव तक है सब करने वाले हैं, ठीक है। चल, ये रहा आपके सामने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले लिख देते हैं पी कौन है, क्यू कौन है और आर कौन है, लेट पी, पी क्या है, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू क्या है बच्चों, स्विच S2 is closed, और R क्या है, स्विच S3 is closed, तीन तीन है ना, तो ये तीनों का लिख दिया। ये जो सामने लिखा है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें और इन दोनों के ग्रुप में क्या रिलेशन है, सर ऊपर जो गोल बनाए गोल या एलिप्स जैसा, यहां पे जो बनाए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, मतलब क्या, ये और ये पैरेलल में है, और अगर मैं इस ग्रुप को देखूं तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, मतलब क्या, यहां पर आया दो ब्रांचेस दिखा, दो ब्रांचेस दिखा मतलब क्या लगेगा, और लगेगा, और के पहले वाला पहला ब्रांच संभालेगा और का बाद वाला दूसरा ब्रांच संभालेगा, तो पहले ब्रांच में कौन है, सिर्फ S1 है, S1 मतलब क्या, P, तो ये हो गया P और पैरेलल में आया, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और ग्रुप है, ग्रुप है मतलब ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, Q एंड R, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में, यही आपका सिंबॉलिक फॉर्म,
सिंबॉलिक फॉर्म के बाद में देखो और क्या बोला है, राइट दी इनपुट आउटपुट टेबल, स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल, दोनों एक ही जैसे बनेगा, इनपुट आउटपुट टेबल। ये बड़ा आसान है, मतलब मैं एक से दो क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी केसेस में खाली सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, उसके आगे आपको होमवर्क रहेगा। क्यों? अभी आइडिया लग जाएगा। ट्रुथ टेबल ऑलरेडी सीखे हो ना, जब ट्रुथ टेबल आपको आता है तो ये चीज भी पक्का आएगा, कुछ नहीं करना है। जो आपका ट्रू है उसको वन बोलने का और जो आपका फॉल्स है उसको जीरो बोलने का। ट्रू को वन बोलने का, फॉल्स को जीरो बोलने का, बस और कुछ नहीं करना है। क्या बोला, समझ में आया? देखो देखो इसका टेबल बना लो। सबसे पहला क्या, पी, पी बना लिया, फिर क्या बनाएंगे, क्यू बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, ठीक है, ये एकदम बेसिक वाली चीज होंगी। इसके बाद क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट बनाते हुए पूरा, तो एक ब्रैकेट मतलब क्यू एंड आर, ये ब्रैकेट बन जाएगा, फिर पूरा आ जाएगा, पी और क्यू एंड आर आ जाएगा, ठीक है। एकदम ट्रुथ टेबल कॉपी करना है बच्चों, कोई यहाँ वहाँ टेंशन नहीं करना है, खाली ट्रू को दिमाग में वन रखने का और फॉल्स को दिमाग में क्या, जीरो रखने का। मतलब पी क्यू आर है तो आठ रोज आएगा, एट रोज, चार वन चार जीरो, बराबर ना, एट का हाफ फोर, चार ट्रू चार फॉल्स होता था तो चार वन चार जीरो, फिर दो ट्रू दो फॉल्स होता था, मतलब वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, फिर आर ट्रू फॉल्स मतलब वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। क्यू एंड आर, क्यू और आर को देखना है एंड के साथ देखना है। एंड का कंसेप्ट क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड का कंसेप्ट क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो क्या एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स मतलब एक भी जीरो है, नहीं सर वन आएगा, एक भी है हाँ सर, यहाँ पे एक भी है हाँ सर, दोनों के दोनों है, यहाँ पे नहीं है, फिर है फिर है फिर है, मतलब अगला क्या आएगा, तीनों जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट है पी और क्यू एंड आर, पी और क्यू एंड आर, इधर इधर देखना है, और के साथ, और में एक भी वन तो वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन, एक भी वन तो वन, एक भी वन तो वन है ना, इधर भी देखो है, यहाँ भी है, फिर इन दोनों के बीच में देखा तो फिर से है, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे तीनों के केस में नहीं है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, P और Q एंड R, समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इनपुट आउटपुट टेबल एक आध क्वेश्चन और करूंगा जहां मेरा मन करेगा, बाकी केसेस में मैं होमवर्क देने वाला हूं। हाँ, आपको यहां तक हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक, हाँ सर कर लेंगे हम, चलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लेट पी क्या स्विच एस वन इज क्लोज्ड, ये आपका पी हो गया, क्यू क्या आ जाएगा, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, और बस पी क्यू है, हाँ एस वन एस टू के अलावा एस वन डैश एस टू डैश भी है। S1 अगर P स्विच S1 इज क्लोज्ड है तो S1 डैश मतलब नेगेशन P होता है, तो लिखने का मन रहेगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखना रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि S1 और S1 डैश रिलेटेड है ना, तो स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड या फिर स्विच S1 इज ओपन, नेगेशन Q क्योंकि S2 डैश भी है, तो ये हो जाएगा स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ये कौन है बच्चों, ये है नेगेशन पी। अच्छा पहला चीज ये देखो, यहां तक आया, इसका दो ब्रांच बना ना, दो ब्रांच का मतलब, दो ब्रांच का मतलब और,
दो ब्रांच का मतलब क्या, और ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो ब्रैकेट बना और फिर से ब्रैकेट बना, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या, और पहले में कौन है, नेगेशन पी एंड क्यू, क्या ये नेगेशन पी एंड क्यू है, नेगेशन पी एंड क्यू, और ये क्या है पी एंड नेगेशन क्यू, ये क्या है पी एंड नेगेशन क्यू, ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। चलो एक यहां पे मैं इनपुट आउटपुट टेबल बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो अभी, ठीक। हाँ सर, चल ये हो गया टेबल का आउटर स्ट्रक्चर। अब चुपचाप कॉपी करो फटाफट, क्या क्या है, क्या क्या है, देखो पी है, क्यू है, फिर अगर किसी का नेगेशन है तो वो, तो दोनों का नेगेशन है, फिर एक एक ब्रैकेट बनाते हुए पूरा, तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा हाँ सर नेगेशन पी एंड क्यू, दूसरा ब्रैकेट भी बन जाएगा हाँ सर पी एंड नेगेशन क्यू, दोनों ब्रैकेट बना सकते हो एक साथ हाँ सर, क्या नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। ये क्या आ जाएगा पी क्यू, पी क्यू दो ही स्टेटमेंट है, चार ही रो आएगा, क्या दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन पी, पी का नेगेशन, पी वाले का नेगेशन, मतलब वन का हो जाएगा जीरो, वन का हो जाएगा जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, नेगेशन क्यू, वन का क्या जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू, एंड मतलब एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो, बराबर हाँ सर, पी एंड नेगेशन क्यू, एक मिनट हाँ मैंने यहां पे इन दोनों का देख लिया, बट देखना था इन दोनों का, ठीक है, नेगेशन पी एंड क्यू, अच्छा बराबर देखा था क्या, बराबर ही था, एक भी जीरो है, है, एक भी जीरो है, है, एक भी जीरो है, नहीं है तो वन, एक भी जीरो है, है, बराबर था वो, चलो पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन, इन दोनों को, एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या देखने का है, और देखने का है, और बोले तो क्या सर, एक भी वन तो वन, एक भी वन है, नहीं है, एक भी वन है, है, एक भी वन है, है, एक भी वन नहीं है, हो गया आपका फाइनल आंसर, समझा, हाँ सर इजी था ना एकदम। चलो अगला क्वेश्चन, लेट पी कर लोगे क्यू, और अगर आर है तो आर, तो इसका आर भी लिख लेना, लिख लोगे ना सेम तरीके से, क्या स्विच एस वन इज क्लोज्ड, इधर पे क्या आ जाएगा स्विच एस टू, और यहां पे स्विच एस थ्री, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ये पूरा और ये दोनों, पूरा और ये दोनों, ठीक है, वो पूरा से मतलब क्या, जरा ध्यान देना, ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है, और यहां पे एक लोग आएंगे, यहां पे एक लोग आएंगे, बराबर, यहां पे जो आएगा उसको देखो, ऊपर वाला कौन आएगा ध्यान से देखना, कौन आएगा ध्यान से देखना, कौन है ये P है, ऐसा मतलब क्या P, ये एंड ये एंड ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो P एंड ये पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या नेगेशन Q, नेगेशन Q और R, P एंड नेगेशन Q और
आर। तो ये तीनों हो गया, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जो इसके साथ पैरेलल में, तो ग्रुप है तो एक बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। और ये पूरी चीजें इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है, तो पैरेलल, ये पैरेलल में, तो और लगा दिया। अब ये दोनों को देखा तो क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। इसका इनपुट आउटपुट टेबल होमवर्क रख रहा हूं मैं, ठीक है, आई थिंक कर सकते हो, ये होमवर्क है। ट्रुथ टेबल आता रहेगा तो ये इजीली कर सकते हो, और ट्रुथ टेबल नहीं आता है तो पहले जाके 1.2 का ट्रुथ टेबल का जितने भी 29 क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, पी क्यू लिख लोगे ना स्टार्टिंग में, लेट पी हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर आर हो गया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा S1 S2 ऊपर नीचे पैरेलल P और Q, क्या P और Q एंड एंड S2, S2 मतलब क्या Q, P और Q एंड Q एंड एंड ये पूरा, ये कौन है R, और ये क्या हो जाएगा और नेगेशन P, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसा रहेगा, इनपुट आउटपुट टेबल कैसा रहेगा इसका, सबसे पहले P आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर अगर किसी का नेगेशन है तो वो आ जाएगा, अच्छा R भी है ना, R आ जाएगा, फिर नेगेशन P आ जाएगा, ठीक है। फिर एक एक ब्रैकेट बना लो, पहले क्या बना लिया P और Q बना लिया, फिर क्या बना लेंगे R और नेगेशन P, आई थिंक छोटे छोटे सब हो चुके। इसके बाद भले यहां पे बड़ा ब्रैकेट नहीं है बट एक साथ तीन लोग ब्रैकेट Q एंड ब्रैकेट को एक साथ, तीनों को साथ नहीं सॉल्व कर सकते, तो पहले ये करेंगे उसके बाद ये आ जाएगा तो ये कर लेंगे, मतलब क्या P और Q एंड Q ऐसा आ जाएगा, फिर पूरा क्या पी और क्यू एंड क्यू एंड आर और नेगेशन पी, आर और नेगेशन पी, ठीक है, आर और नेगेशन पी ऐसा। आई थिंक अब ट्रूथ टेबल तो बन सकता है, ये इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हो ना, बना सकते हो, फिर चलो एक काम करो बनवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन और, चलो 4140, ठीक है, 4140, 2120, 2120, 1010, 1010, 1010, नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब क्या, ये जो पी है उसी का नेगेशन, वन का जीरो और जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, पी और क्यू, पी क्यू को देखो और के साथ, और में एक भी वन तो वन, एक भी वन तो वन, एक भी वन तो वन, ठीक है, लास्ट में नहीं है। आर और नेगेशन पी, आर और नेगेशन पी, एक भी वन तो वन, एक भी वन तो वन। अब इसको एंड क्यू को देखना है, ये दोनों को एंड क्यू, एंड में एक भी जीरो तो जीरो है, क्या एक भी जीरो नहीं है, इधर है
नहीं है, इधर है, यहां पे भी है ना। हाँ सर, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है और लास्ट में भी है। फिर क्या है, पी और क्यू एंड क्यू एंड ये, मतलब एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन, वही चीज, सबसे पहले पी क्यू आर लिख लेंगे, पी हो गया, क्यू हो गया, आर का जरूरत नहीं है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म एस वन, क्या बच्चों, एस वन, एस वन मतलब क्या, पी, एस वन मतलब पी, और ये दोनों, पी और ये दोनों, ये दोनों क्या है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। फिर ये पूरा एक ग्रुप है, देखो ये पूरा एक ग्रुप है जो इसके साथ पैरेलल में है, ये पूरा ग्रुप इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप अगर इसके साथ पैरेलल में तो और है, और ये पूरा ग्रुप है ना, देखो जरा ध्यान से, ये पूरा एक ग्रुप है, जब ये पूरा एक ग्रुप है तो एक बड़ा ब्रैकेट आएगा, जब ये पूरा एक ग्रुप है तो एक बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये और ये, ये और ये दोनों कौन है, ये दोनों है P एंड Q, ये दोनों क्या है, P एंड Q, क्या बोला, समझा। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, क्या, P और ये दोनों, दैट इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और P एंड Q, इसका इनपुट आउटपुट टेबल कर लेना। ठीक है, चल नेक्स्ट, ये क्या आ जाएगा बोलो, वही लेट पी क्यू आर, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इनपुट आउटपुट टेबल, इसका भी होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, कर लोगे ना, कुछ है नहीं, खाली 1001 करना है बस। बोलो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, ये दोनों पैरेलल में, मतलब क्या, पी और, पी और क्यू, पी और क्यू, एंड ये दोनों क्या आ जाएगा, क्यू और आर, एंड ये दोनों क्या आ जाएगा, आर और पी, ये दोनों क्या आ जाएगा, आर और पी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, स्विचिंग सर्किट बनाना है, कैसे बनेगा देखो। सबसे पहला वही चीज, लेट पी क्या, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू क्या है, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, और आर क्या है, स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड। अगर नेगेशन में लिखना है तो लिख लेना। अब यहां पे अगर मैं ऊपर ऊपर देखूंगा तो मेरे को दो लोग नजर आ रहे, एक ये और एक ये, ऊपर ऊपर देखने बोला, अंदर जाके मत देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ऊपर ऊपर, तो कितने दिखे, दो लोग, दोनों के बीच में क्या है, और है, मतलब दो ग्रुपिंग, दो ग्रुप्स, दो ग्रुप्स पैरेलल में रहने वाला है। ठीक है, तो एक आउटर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये बैटरी हो गया, यहां पे लैंप हो जाएगा। ठीक है, दो ब्रांचेस बनाने को बोला, क्यों दो ब्रांच, क्योंकि दो ग्रुपिंग के बीच में क्या है, और है, दो ब्रांच बन गया, पहला ब्रांच इसको संभालेगा, दूसरा ब्रांच इसको संभालेगा। ठीक है, पहले ब्रांच में देखा तो एंड नजर आया, दो लोग सीरीज में, मतलब दो स्विचेस किसमें आएंगी, सीरीज में, पहले का नाम है S1 का डैश,
है एस टू है। यहां पे भी दो लोग सीरीज में है, यहां पे भी दो लोग किसमें है बच्चों, सीरीज में है। तो पहला कौन है पी मतलब एस वन, दूसरा कौन है नेगेशन आर मतलब एस थ्री का डैश। इसके बाद कुछ नहीं करना है, करंट फ्लो बता देना है, बस हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जाम में आता है स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए, ठीक है, 3 मार्क के लिए आ जाता है। कुछ डाउट है इसमें, इजी था ना? हाँ सर, जरा डिफिकल्ट वाला बनाओ, सबका सब बनाऊंगा बच्चा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैं ऊपर ऊपर देखा तो एक लोग नजर आए, दो लोग नजर आए, दोनों के बीच में क्या नजर आया सर, कचरा कर दिया तो कैसे नजर आएगा? ये देखो, ये क्या है? और है, क्या है? अब नजर आया? हाँ सर, क्या है? और बोले तो पैरेलल। यहाँ पे भी एक आउटर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले वही पी लिख लेना, क्यू लिख लेना, आर लिख लेना, मेरे को पकड़ कड़ाई बस नहीं करना है। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे सर हमको भी नहीं करना है तो मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चा। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दो लोग हैं, एक पहला ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या है? और बोले तो दो ब्रांचेस, और बोले तो दो ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले कौन है? दो लोग है एंड के साथ, दो लोग एंड के साथ, एंड का मतलब एक भी, अच्छा यहां पे तो एंड है ना, एंड का मतलब सीरीज, एंड का मतलब सीरीज, दो लोग सीरीज में, बस दो ही लोग हैं, दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में, बराबर। पहला कौन है? एस वन है, और दूसरा कौन है? एस टू है। पहला है एस वन और दूसरा क्या है? एस टू। समझ में आया? हाँ सर। अभी क्या ये बनाएंगे? अभी ये सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या है जरा ध्यान से देखना, ये कौन है? नेगेशन पी, और उसके साथ में एंड के साथ तीन लोग पैरेलल में है, मतलब क्या? देखो नेगेशन पी बनाओ, देखो सर बना लिए नेगेशन पी। अब क्या करने का? अब ये ब्रैकेट एंड है, बाजू में रहेगा, ये तीन लोग के बीच में और है, मतलब तीन लोग पैरेलल में है, सिंगल सिंगल स्विचेस लेके पैरेलल में है ये लोग। ठीक है, इस तरीके से है। ये कौन है? एस टू का डैश। ये कौन है? एस टू का डैश। और ये कौन है? एस वन। और ये कौन है? एस थ्री है। बस हो गया, समझा? करंट फ्लो बता देते हैं। डन, ठीक है, इजी था? हाँ सर, आपने बता दिया, हमको लग गया इजी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है P एंड R और नेगेशन Q एंड नेगेशन R, और सॉरी एंड नेगेशन P एंड नेगेशन R। जरा ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से देखना। पहला वही लेट P Q R, ठीक है, बैटरी बना दिया, लैंप बन गया, ये आ गया। फिर क्या बोला है? P एंड Q और नेगेशन पी एंड नेगेशन आर, मतलब ये पैरेलल में है, और इनका जो है ये पूरे के पूरे लोग इसके साथ सीरीज में। कैसे? देखो ये पूरा एक ग्रुप पी एंड आर, और मतलब दो लोग है ऐसा, ये देखो ये क्या है पी, ये क्या पी, और ये क्या है आर, ये हो गया पी एंड आर, ये इसके साथ पैरेलल है, किसके साथ? इसके साथ। ये है S2 का डैश, और ये क्या है S3 का डैश, ये S2 डैश हो गया और ये क्या हो गया S3 डैश। क्लियर हो गया? ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ये बन गया ना? हाँ सर, ये इसके साथ सीरीज में, सीरीज में किसके साथ? इस पूरे ग्रुप के साथ सीरीज में। ये क्या है? ये है S1 डैश और क्या S3 डैश। हो गया आंसर, दिखा इजी था एकदम, एकदम ना इजी।
बच्चो करंट फ्लो बता दिया, हो गया फुल मार्क, तीन मार्क का रहा तो तीन का तीन मिलेगा। खाली यहाँ पे सेंटेंस लिख लेना, पी क्यू आर मांगता रहेगा तो नेगेशन पी, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर भी लिख लेना। समझ गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है, पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर और पी एंड नेगेशन क्यू और आर। चलो ऊपर ऊपर से देखा तो दो लोग हैं, दोनों के बीच में क्या है और, मतलब दो ब्रांचेस बनेगा, इतना तो कंफर्म हो गया। सबसे पहले P, फिर Q, फिर R। चलो बैटरी लैम्प, ठीक है। अब चलो आगे, दो लोग हैं मतलब दो बड़ा ब्रैकेट है तो क्या बना, पैरेलल बन गया। ये क्या है, P एंड नेगेशन Q एंड R, P and negation Q and R, P and negation Q and R, तो ये हो गया तीन। फिर और ये पूरा मतलब क्या, P and मतलब P आ गया, फिर सीरीज में, फिर दो लोग पैरेलल में हैं, बराबर ना, दो लोग पैरेलल में, देखो बना दिया। इसका नाम क्या है, S2 डैश, और इसका नाम क्या है, S3 डैश। ठीक है, समझ में आया, S1 and S2 dash and S3, पहला ब्रैकेट हो गया, फिर और मतलब पैरेलल हो गया, फिर ये P हो गया, फिर एंड सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, कौन कौन, नेगेशन Q है और जो है नेगेशन R। चलो फिफ्थ वाला फटाफट एकदम, 1 2 3 4, इसको सिंगल समझा है ब्रैकेट में, चार लोग और में दिख रहे हैं, मतलब चार ब्रांचेस आएगा। ठीक है, कितना ब्रांचेस आएगा, चार। ये हो गया, पहले ब्रांच में एक ही है, फिर दूसरे ब्रांच में भी एक है, तीसरे ब्रांच में भी एक है, और फोर्थ ब्रांच में दो है। ये कौन है, S1, ये है S1 का डैश, ये S2 का डैश, और ये S1 S2। हो गया, क्या सिंपल था, बराबर ना, सुप्पा होता। हो गया हमारा फाइनल आंसर, वही लेट पी क्यू लिख लेना, इजी है। चलो पी एंड क्यू और नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन क्यू, एक दो तीन, तीनों के बीच में क्या है और, मतलब तीन ब्रांचेस बनेंगे। पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच। पहले ब्रांच में क्या है, पी एंड क्यू, दो लोग हैं एंड के साथ, S1 S2। दूसरा क्या है, और नेगेशन पी अकेला है, तो S1 का डैश है, और पी एंड नेगेशन क्यू मतलब S1 है और साथ ही साथ क्या है, S2 का डैश है। बस इतना ही है, हो गया आंसर, बराबर। इसका चुपचाप करंट फ्लो बता देने का, डन। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3, या ये क्वेश्चन नंबर 3 और आगे लास्ट वाला क्वेश्चन में, दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लॉस का यूज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 सिंबॉलिक फॉर्म है,
फिर उसको बता दूंगा मैं एग्जैक्टली करना क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर मोस्टली होमवर्क रहेगा ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर दी फॉलोइंग सर्किट। सिंपल सर्किट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तीन स्विच है, कोशिश करो कि और दो या एक स्विच से अगर काम चल सकता है तो फुकड़ का तीन स्विच का क्यों खर्चा करने का। बोलोगे सर तीन ही तो लग रहा है, ये देखो इधर ज्यादा है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करके एक दो तीन, मतलब जितना कम लगे उतना बेहतर है, उतना पैसा बचाना है। ठीक है, स्विचेस का भी खर्चा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, सबसे पहला क्या करने का सर, सबसे पहला पी लिखने का। क्या है पी, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, ये हो गया पी। आफ्टर दैट क्यू, क्यू क्या है, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, और आर क्या है, आर है क्वेश्चन में है ही नहीं तो लिख क्यों रहे, नहीं लिखेंगे। इतना होने के बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म, जो ऊपर सर्किट दिया है बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा ये है पी, ये क्या है पी, फिर ये और ये सीरीज में ये लोग, तो पी एंड आजू बाजू ना, तो एंड ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और में पैरेलल है ना, और ये क्या है नेगेशन पी, और ये क्या है और क्यू, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या हो गया बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। हाँ सर, इसके बाद में सिंप्लीफाई करना है अल्टरनेटिव, इसको सिंपल बनाना है, तो सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद में क्या है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या बच्चों, ये जो लिखा है इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या P एंड नेगेशन P और Q, P एंड नेगेशन P और Q, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक एंड है दूसरा और है, जब दोनों अलग अलग रहता है अमीर गरीब बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मल्टीप्लाई या कॉमन निकालने वाला लॉ, चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, P एंड को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा P एंड नेगेशन P, P एंड नेगेशन P बराबर, और P एंड नेगेशन P और P एंड Q, सिस्टम एरर, P और Q, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, का नाम क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बराबर। हाँ सर, मल्टीप्लाई किया ना तो इसका, इसलिए इसका नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या था इधर, एंड था और था, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मैक्सिमम चांस है डीसीआई फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई स्टेटमेंट है और उसके बाद में उसी का नेगेशन है एंड या और के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट में चीटिंग भी कर सकते हो। एंड है पहले ब्रैकेट में है ना, देखो एंड पी है और उसी का नेगेशन है, बीच में क्या है एंड, एंड का मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड के कॉन्सेप्ट में एक भी फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एंड के कॉन्सेप्ट में अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स और पी और क्यू, फॉल्स, एक मिनट P, एक मिनट, यहां पे देखो ये P एंड अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, P एंड अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या आ जाएगा P एंड नेगेशन P और P एंड Q आएगा। मैंने वहां पे गलती से P और Q लिख दिया, तो P एंड Q, तो यहां पे क्या बचा P एंड Q, ठीक है। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ट्रू फॉल्स के अलावा आइडेंटिटी लॉ डीसीआई फॉलो होगा, ट्रू फॉल्स के अलावा, ट्रू फॉल्स के अलावा, ट्रू फॉल्स के अलावा, अलावा मतलब उसके साथ में जो भी है उसको आपको एक सिंगल टर्म समझना है। क्या समझना है, सिंगल टर्म, अगर इसको सिंगल टर्म समझा तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू होता है,
फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग आया, अलग आया मतलब स्टेटमेंट खुद आएगा, स्टेटमेंट खुद आएगा। जब दोनों केस में ट्रू आता है तो टी लिखते हैं, जब दोनों केस में फॉल्स आता है तो फॉल्स लिखते हैं, दोनों केस में फॉल्स आता है तो फॉल्स लिखते हैं। मिक्स आया, मिक्स आया तो स्टेटमेंट खुद, मिक्स मतलब ट्रू फॉल्स आया तो स्टेटमेंट खुद आएगा। तो ये हो गया आपका अब फाइनल आंसर, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो अब इसका स्विचिंग सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट क्या जाएगा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट, वही समझ गए ना, ये लैंप हो गया, दो लोग हैं और दोनों के दोनों किसमें सीरीज में, मतलब तीन स्विच का खर्चा नहीं करके दो ही स्विच का खर्चा करो, S1 S2, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला। अब चलो आगे चलो, ये रहा हमारा सेकेंड वाला, यहां पे भी सेम चीज, सबसे पहले P लिख दिया, Q लिख दिया, R है तो R लिख दिया, है ना, S3 लिख देंगे। इसके बाद में सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ये है P एंड ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, इसका नाम क्या है Q और इसका नाम क्या है R। तो ये हो गया पहला ब्रैकेट, ये पूरा इसके पैरेलल में है, पैरेलल मतलब और ये तीन सीरीज में, सीरीज का मतलब एंड, S3 डैश मतलब नेगेशन R एंड S2 डैश मतलब नेगेशन Q एंड S1 मतलब P। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब चलो इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको कम स्विचेस में कन्वर्ट करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, सबसे पहला वो स्टेप कॉपी कर लेंगे, P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P। सबसे पहला यहां पे ध्यान से देखो, पी क्यू आर अच्छे फॉर्म में लिखा है, यहां पे देखो आर क्यू पी, थोड़ा अलग है ना, तो सबसे पहले क्या करने का, पी लिखने का, फिर क्यू लिखने का, फिर आर लिखने का, सबसे पहले पी फिर क्यू फिर आर, मतलब इसको पलटी मारना है। पलटी मारने वाले लॉ को क्या बोलते हैं अपन, कम्यूटेटिव लॉ। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज देखो, पी एंड क्यू और आर, और यहां पे पलटी मारा, पलटी मारना मतलब पहले P लिख रहा हूं, फिर नेगेशन Q लिख रहा हूं, फिर नेगेशन R लिख रहा हूं, यहां वहां करने वाले लॉ का नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसका नाम क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। हाँ सर, इसको और इसको एक जैसा दिखाना है, यहां देखो Q और है, यहां पे अलग है, अलग है तो इसको एक जैसा दिखाओ, ये सर Q और R है, वो क्या है, नेगेशन Q नेगेशन R, नेगेशन ले लो बाहर, नेगेशन को ले लो कॉमन, क्या आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा P एंड Q और R, फिर बाजू में क्या है और है, बाजू में क्या और है, P एंड नेगेशन ले लिया कॉमन, नेगेशन Q का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, नेगेशन R का R हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा, एंड का और, तो हो जाएगा नेगेशन कॉमन लिया तो Q और R, ठीक है बराबर। जब कॉमन निकाला, ये नेगेशन वाले लॉ का नाम क्या है, नेगेशन वाले लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, इसका नाम क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या करने का सर, पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में दोनों के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो P एंड कॉमन नजर आएगा, आएगा ना, तो जब कॉमन नजर आ रहा है तो फायदा उठा लो, उठा लो बाहर P एंड को, बचेगा क्या Q और R, फिर क्या बचा और नेगेशन ऑफ Q और R बचा, बराबर। ये कॉमन निकालने वाले लॉ का नाम क्या है, कॉमन निकालने वाले लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका नाम क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर क्या करने का सर, डीसीआई आपने सिखाया है, डीसीआई बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी,
कॉम्प्लीमेंट लग रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या सिखाया था? कोई स्टेटमेंट और साथ में उसी का नेगेशन। कोई स्टेटमेंट है और जरा ध्यान से देखो, उसी का नेगेशन है, नेगेशन ऑफ क्यू और आर। स्टेटमेंट है और उसी का नेगेशन है, बराबर, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ लग सकता है। तो ये हो जाएगा पी एंड। कॉम्प्लीमेंट में आपको चीटिंग करने के लिए बोला है। क्या है चीटिंग? बीच में साइन कौन सा है? और। बीच में साइन कौन सा है? और। एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, कॉन्सेप्ट पे ट्रू तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। इसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका नाम क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है। दोनों केस में अलग, तो स्टेटमेंट खुद आएगा क्या? पी। इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी लॉ। इसका नाम क्या है बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। समझ गया? हाँ सर। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट, एक ही स्विच, देखो इतना स्विचेस नहीं खर्चा करने का है अपने को, एक स्विच से जब काम हो सकता है तो क्यों इतना खर्चा करने का? समझ गया? इसलिए अपने को लॉस आना चाहिए खर्चा बचाने के लिए। ये क्या है? एस वन। डन, इजी। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इंटायरली मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं खाली इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब बोलोगे सर वो आगे इंटरप्रेट इट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखना कैसे वो भी बता देता हूं, इनकेस फिर भी स्टेटमेंट नहीं याद रहा, टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया रहेगा वो एक बार गो थ्रू कर लोगे ना समझाने के बाद, समझ जाएगा। ठीक है, पहले समझो कि क्या है सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पी और नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन क्यू, और नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू, ऐसा आएगा नेगेशन पी एंड क्यू। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इंटरप्रेट में कैसा होता है समझ जाओ। आपका पूरा आंसर वन है, एक एग्जांपल, इस पूरे का आंसर इनपुट आउटपुट टेबल या फिर स्विचिंग टेबल से सब आंसर वन है, तो क्या लिखने का? लैंप विल ऑलवेज ग्लो, यहां पे लैंप भी रहेगा ना, लैंप विल ऑलवेज ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस। कौन सा स्विच ऑन है कौन सा ऑफ है मैटर नहीं करता है, लैंप हमेशा ग्लो करेगा। ठीक है, अगर अगर आंसर सब जीरो आता है, लैंप विल नेवर ग्लो, लैंप विल नेवर ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस। कौन सा स्विच ऑन है कौन सा ऑफ है नहीं पता या फिर मैटर नहीं करेगा, लैंप कभी भी ग्लो नहीं करेगा, ये अगर सब जीरो है। इनके समझो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, 1 1 1 0 0 1 0 1 0 ऐसा है, और आपका कुछ तो एक आंसर है, एक एग्जांपल के तौर पे आपका आंसर आया 1 0 0 0। तो इस केस में क्या लिखोगे? लैंप विल ग्लो ओनली व्हेन स्विच पी इज ऑन, स्विच क्यू इज ऑन, दैट इज स्विच S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, देन ओनली लैंप विल ग्लो, अदरवाइज लैंप विल नॉट ग्लो। समझो ऐसा आ गया एक एग्जांपल के तौर पे, 0 0 या फिर 1 1 0 1, लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो, थर्ड केस, लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन S1 इज ऑफ एंड S2 इज ऑन, जीरो है ना उसी केस में, लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन S1 इज ऑफ एंड S2 इज ऑन, अदरवाइज लैंप विल ऑलवेज ग्लो। समझ गया? तो इस तरीके से आपको डिटेल में लिखना है बस, और कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक के पीछे फाइनल आंसर स्टेटमेंट के तौर पे दिया है, वहां से समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं होमवर्क को दे रहा हूं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह लिख लो, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लॉस का यूज करना है, 3 4 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन को करवाना है मुझे। ठीक है, चलो इधर आओ। S1 हो गया, S1 डैश हो गया, S2 डैश हो गया, S1 हो गया और S2 हो गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पहले वही लिख लेना, लेट पी क्यू लिखते बैठना,
इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देखो, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड क्यू। इसके आगे जो भी है ये होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर एंड पी और क्यू एंड आर। देख लो एक बार, पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, यहां पे आ जाएगा पी एंड क्यू एंड आर। इसका भी बना लेना, आपका फाइनल आंसर इसका आएगा 4140। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो है वो पी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका फाइनल आंसर रहेगा इसके आगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है और लॉस का यूज करना है, तो 4 के 4 क्वेश्चन है, वो पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहां पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, उसके आगे ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। देखो, सबसे पहला इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट, एक और है, एक एंड है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन अलग अलग है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव करके फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये यार ये ब्रैकेट खुद ही सॉल्व होना चाह रहा है, मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को नहीं ध्यान दिया ना, वो ब्रैकेट खुद ही सॉल्व होना चाह रहा है, वो अंदर मल्टीप्लाई क्यों करूं मैं, और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो ना, एक क्यू है और एक कौन है, नेगेशन क्यू है, एक क्यू है एक नेगेशन क्यू है एंड है। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता क्या है सर, कोई भी स्टेटमेंट और उसी का नेगेशन, कोई भी स्टेटमेंट और उसी का नेगेशन, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट उसी का नेगेशन है ना, एंड है, एंड है, एंड का कॉन्सेप्ट क्या है कॉम्प्लीमेंट में, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, कॉन्सेप्ट में फॉल्स है तो रिजल्ट भी क्या आता है फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है ये, पी और फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद में क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद में आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बराबर ना, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों के इसमें अलग आया तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट खुद आएगा। हो गया ये उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसका ऑब्टेन द सिंपल, दैट इज सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट एक्सप्रेशन के बाद करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट ना, तो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या आ जाएगा, उसके लिए, उसके लिए लेट, पहले पी बोल दिया, क्या स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू दिया नहीं है तो क्यू लिख के फायदा नहीं है, इनकेस लिखना रहेगा तो लिख सकते हो बट जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मैं लिख दे रहा हूं कि ताकि फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो कि कब लिखना है कब नहीं, लिख दिया, ठीक है, लिख दोगे मार्क्स नहीं कटवाएगा। ये क्या आ जाएगा, लैंप आ गया, सॉरी बैटरी आ गया, यहाँ पे लैंप आ गया, कितना अकेला बंदा है ना, अकेला शेर है, एस वन, ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट, नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर ले, तीन ब्रैकेट है, हाँ सर, तीन ब्रैकेट एक साथ नहीं सॉल्व होता है, दोनों को साथ में लेने का, क्या पहले दूसरे को साथ में लेके फायदा है, हाँ सर, नेगेशन पी एंड कॉमन हो सकता है, तो चलो नेगेशन पी एंड को कॉमन ले लो, नेगेशन पी एंड को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, क्यू और नेगेशन क्यू, क्यू और नेगेशन क्यू, ये हो गया
पहले दूसरे, अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले ये पहले और दूसरे ब्रैकेट को साथ तो रखते हैं, फिर तो कॉमन निकालने का सोचेंगे, बराबर ना। पहले साथ रखो, साथ रखने का मतलब एक ब्रैकेट में डालो, एक बड़े ब्रैकेट में डाल दिया। तीन लोग थे, दो लोग को मैंने एक साथ रख दिया, एक साथ रखने वाला लॉ एसोसिएटिव लॉ, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद में नेगेशन पी एंड कॉमन आ गया, क्या बचेगा, क्यू और नेगेशन क्यू बचेगा, और पी एंड नेगेशन क्यू बराबर, नेगेशन पी एंड कॉमन ले लिया, कॉमन लिया मतलब इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ का नाम क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अभी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव डीसीआई फॉलो करना है, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है क्या इधर, आ रहा है सर, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट है और उसी का नेगेशन है, हाँ सर बराबर बोला आपने, तो ये क्या आ जाएगा, और है, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, इसलिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू। इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद वाला जो लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ, वो क्या है, आइडेंटिटी लॉ, क्या आ जाएगा ये देखो, ट्रू फॉल्स के अलावा जो भी रहेगा उसको सिंगल टर्म समझने का, इसको सिंगल टर्म समझने का, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग आया तो स्टेटमेंट खुद आएगा, समझा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ बराबर, हाँ सर। अब ये नेगेशन पी और को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नेगेशन पी और को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा नेगेशन पी और पी, नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मल्टीप्लाई किया, नेगेशन पी और को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करने वाले लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना बराबर, हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, किधर लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है सर, क्यों लग रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, फिर उसका नेगेशन है, बीच में क्या, और का कॉन्सेप्ट क्या है, एक भी ट्रू तो ट्रू, कॉन्सेप्ट में ट्रू तो फाइनल आंसर भी आता है ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, तो दोनों बार स्टेटमेंट अलग आया, स्टेटमेंट अलग आया मतलब स्टेटमेंट खुद आता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉ, इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉ। बस अब दो आ गए ना, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, फिर वही सिंप्लीफाइड सर्किट। लेट पी क्यू, नेगेशन पी नेगेशन क्यू लिखना रहा तो लिख लेना, क्या आएगा, पी स्विच एस वन इज क्लोज्ड, और ये क्या आ जाएगा, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं, स्विचिंग सर्किट, दो लोग हैं और दोनों के बीच में क्या है, और दोनों के बीच में और है मतलब पैरेलल रहेगा, दोनों के बीच में और है मतलब क्या रहेगा, ये पैरेलल, ये क्या आ गया, एस वन का डैश, और ये क्या आ गया, एस टू का डैश, ठीक है, समझा, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर थ्री, पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर एंड पी और क्यू एंड आर, ये अभी थोड़ा टाइम पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, देख लो, सबसे पहला P और इन दोनों में से नेगेशन कॉमन ले लो, तो नेगेशन क्यू का क्यू हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, नेगेशन आर का आर हो जाएगा, नेगेशन कॉमन लिया मतलब नेगेशन वाला लॉ अप्लाई किया, और नेगेशन वाले लॉ को बोलते हैं डीमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा P और Q एंड R, इस लॉ का नाम क्या है,
डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, हाँ सर, प्योर प्योर कॉमन ले लो, प्योर कॉमन ले लिया, क्या बचा? नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर और क्यू एंड आर, प्योर को कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से बस बचा। बीच में और नहीं ना, बीच में एंड आएगा ना, प्योर कॉमन लिया तो ये चीज आई, फिर एंड क्यू और Q एंड R आएगा, बराबर। कॉमन निकालने वाला लॉ का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉमन निकालने वाले लॉ का नाम क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। P और ये एक दूसरे का नेगेशन है, ये और एक दूसरे का नेगेशन है, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव का कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। दोनों के बीच में साइन कौन है? एंड का साइन है। एंड मतलब क्या? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, कॉन्सेप्ट में फॉल्स है तो रिजल्ट भी क्या आता है? फॉल्स आता है। और इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस लॉ का नाम क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग आया, दोनों केस में अलग, तो स्टेटमेंट खुद आता है जिसका नाम है पी। स्टेटमेंट खुद आएगा जिसका नाम क्या है? पी है। और इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। हो गया आंसर इसका? स्विचिंग सर्किट या सिंप्लीफाइड सर्किट। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या आएगा? इसका सिंप्लीफाइड सर्किट जरा ध्यान से देखना, क्या आएगा सिंप्लीफाइड सर्किट? P है ना बस, S1 डन। ठीक है, इजी था? हाँ सर, फटाफट लास्ट क्वेश्चन करा था, फिर छुट्टी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन है, चार ब्रैकेट दिया है किसी किसी बुक में, किसी में तीन दिया है। ये जो सामने लिखा है ये करेक्ट क्वेश्चन है, इसके हिसाब से बुक में चेंजेस कर लेना। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसका सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला मैं इस ब्रैकेट को ध्यान से देखा, तीन ब्रैकेट था तो दिमाग में ये आया कि दो को साथ में ले लो फिर सॉल्व करो, बट बात है कि वो ब्रैकेट खुद ही सॉल्व होने के लिए रेडी है। कैसे? कैसे? पी है, नेगेशन पी है, खाली उनको साथ में रखना है। साथ में रखने के लिए पहले तीसरे का ग्रुपिंग नहीं होता है, पहले इसको पलटी मारूंगा, नेगेशन पी आगे आ जाएगा, क्यू वहां चला जाएगा। पलटी मारना मतलब इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, सबसे पहला चीज P एंड नेगेशन P एंड Q, ये हो गया, ये दोनों को इंटरचेंज किया, बाकी लोग को एज इट इज लिखते बैठो, नेगेशन P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड R। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है इधर? कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद में क्या करने का? P एंड नेगेशन P को एक साथ रखने का, दोनों एंड है, दोनों एंड है मतलब एसोसिएटिव लग सकता है, एक साथ ग्रुपिंग P एंड नेगेशन P एंड Q, दोनों को एक साथ रख दिया और बाकी लोग को एज इट इज। ठीक है, दो लोग को एक साथ रख दिया, एक साथ रखा मतलब लॉ कौन सा यूज किया? एसोसिएटिव लॉ। लॉ कौन सा यूज किया है? एसोसिएटिव लॉ। आएगा P एंड नेगेशन P कॉम्प्लीमेंट ना, क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा और उसी का नेगेशन साथ में रखता है एंड या और के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। क्या लगेगा इधर? कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। बीच में कौन है? एंड है। एंड का कंसेप्ट क्या है? एक भी एंड का कंसेप्ट क्या है? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, कंसेप्ट में फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ में आया? हाँ सर। और ये हो गया नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर और पी एंड क्यू एंड आर, ये आया कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बाद 100% केसेस में आइडेंटिटी आता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आ गया ना। अब ट्रू फॉल्स के अलावा जो लोग रहेंगे, ट्रू फॉल्स के अलावा जो लोग हैं उनको सिंगल टर्म समझने का, यहाँ पे तो सिंगल ही ऑलरेडी। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है,
तो दोनों केस में फॉल्स आया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, आ गया। कौन सा? आइडेंटिटी लॉ। फिर से देखो, ट्रू फॉल्स आ गया। ट्रू फॉल्स वाला लॉ आइडेंटिटी कहलाता है, मतलब अगला स्टेप भी क्या आएगा? आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स का जहां पे भी दिखेगा उसका अगला स्टेप, जैसे यहां पे दिखा तो अगला ये आया, तो ये फॉल्स था ना फॉल्स के साथ। तो ट्रू फॉल्स के अलावा जो लोग हैं उसको सिंगल टर्म समझो, इसको समझ भी सकता हूं क्योंकि और है तो दिमाग में ब्रैकेट बना लिया। तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू होता है फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, दोनों केस में अलग। तो स्टेटमेंट खुद आएगा, मतलब ट्रू फॉल्स के अलावा जो है वो खुद आएगा। कौन? नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर, और पी एंड क्यू एंड आर। अब आगे इन दोनों, अभी तक एक पहला वाला ब्रैकेट के वजह से जो भी हुआ, इन दोनों ब्रैकेट को मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर दोनों में सेम है, दोनों डबल डबल एंड है, तो पहला दो लोग को एक साथ रख लो। किसको किसको? क्यू एंड आर को एक साथ रख लिया, क्यू एंड आर को एक साथ रख लिया, एक साथ रखा मतलब क्या? एसोसिएटिव लॉ। मतलब क्या? एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? हाँ सर। ये हो जाएगा नेगेशन पी, देखो एंड क्यू एंड आर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? नेगेशन पी और पी, क्या बचा? नेगेशन पी और पी। ये जो कॉमन निकालने वाला लॉ है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बराबर? हाँ सर। ये क्या हो जाएगा? और है तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक भी ट्रू तो ट्रू, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में चीटिंग चलती है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद क्या आता है? आइडेंटिटी आता है सर, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ कैसे सोचते हैं? ट्रू फॉल्स के अलावा जो भी रहा उसको सिंगल टर्म समझने का। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो दोनों बार अलग आएगा तो स्टेटमेंट खुद आएगा। कौन? क्यू एंड आर आएगा। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेने का, इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेने का, बन जाएगा ना? कैसे? लेट पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, भले पी पूछा नहीं है बट लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ क्यू आर लिखोगे तो भी चलेगा। लिख लोगे क्यू एंड आर, मतलब अगेन दो लोग हैं बस, वो भी सीरीज में हैं, एस टू एस थ्री। समझ में आ गया? हाँ सर। इसी के साथ हमारा 1.5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है? और इन केस आपको पर्सनली कुछ फॉर्मूला वगैरह चाहिए, या फिर कोई डाउट है, या फिर मैथ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, ये वो जो भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आईडी ऑलरेडी दिया है, vijayp_maths, ठीक है? नाम पता है बट फिर भी देख लो, विजय प्रजापति, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और दोस्तों को भी बता सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा वहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट मैसेज, मोस्टली एक से दो दिन में, या फिर फ्री हो तो जिस दिन मैसेज करोगे उसी दिन रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो हमारा लॉजिक, यहाँ पे हमारा लॉजिक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक? मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है आप खुद से भी कर सकते हो, इनकेस कुछ डाउट है तो ऑलरेडी बता दिया मैं, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, अगर इनकेस किसी भी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर डाउट है तो, ठीक? नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्राइसिस रहेगा, एकदम बेसिक से 11th का जो भी कॉन्सेप्ट 12th में लगने वाला है वो पहले क्लियर करा के फिर उसके बाद में आगे का कंटेंट आपको कराऊंगा, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो, कैसा रखो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कैसा लगा चैप्टर, इजी था, डिफिकल्ट था, जैसा भी था, ठीक है? मिलते हैं अपन अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।